Assalamualaikum Alaikum everyone, I hope you are doing fine. So, this is my another trip. I'm going with my husband for the first time. So, yeah, we are heading towards Hyderabad in this Toronto Express. It leaves from Lokmanya Tilak terminus. Uh, the timing of the train is 11 o'clock, 11.5. Uh, uh, it is basically weekly twice on Wednesday and Saturday. We are leaving on Saturday. सो दिस इज़ माई डे वन ब्लॉग लेट्स सी वॉट हैपन्स सो गाइज बेसिकली हमने थर्ड ए सी टायर बुक किया था इट इज़ वेरी सेफ ओके मैं अजमेर जब गई थी तब मैं नॉन ए सी से गई थी दैट वॉज ऑल्सो सेफ बट स्टिल वहाँ पर कैसा है बहुत से लोग जो वेटिंग लिस्ट में होते हैं वो भी आते हैं एंड uh, बहुत से लोग मतलब हमारी सीट पे बैठ जाते हैं फिर बहुत कुछ होता है एज़ कम्पेयर टू ए सी टायर में ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा यहाँ पे उनकी किट थी चादर वगैरह हमको दी गई थी सो रात हो गई थी मैं सो गई देन यस अर्ली मॉर्निंग वी वोकअप और यहाँ जैसे ही बाहर देखो तो ग्रीनरी ग्रीनरी ओके एज ऑलवेज आप जब भी ट्रैवल करो ट्रेन से आपको बस ग्रीनरी दिखेगा एंड जो रेसिडेंशल्स एरियाज आते हैं वो थोड़े बहुत दिखते हैं इफ आपको जानना है एग्जैक्टली exactly आप कहाँ पे हैं uh, ऐसे ग्रीनरी एरिया में देन यू कैन डाउनलोड इज माई ट्रेन ऐप देर वेर यू कैन सी लाइक वेर यू आर राइट नाउ सो या हमने कॉफ़ी ली थी एंड एज माई हजबेंड हजब नीड्स कॉफ़ी अर्ली मॉर्निंग सो या इट वॉज़ फॉर ट्वेंटी रुपीज़ जस्ट हमने ब्रेकफास्ट नहीं ऑर्डर किया बिकॉज हमने ब्रेकफस्ट कैरी किया था बट अगर आपको ब्रेकफस्ट चाहिए तो यहाँ पे पोहा ब्रेड बटर डाइट चूड़ा ये मिलता है अगर नॉन वेज लेते हो तो पोहा के रिप्लेसमेंट में आपको एग ऑमलेट मिलता है डेट्स एट सो कॉफी भी हो गई थी एंड देन वी रीच आवर डेस्टिनेशन दैट इज सिकंदराबाद आपको लोकमान्य तिलक टर्मिनल से सिकंदराबाद आने के लिए ट्वेल्व आवर्स लगते हैं बट हमारी ट्रेन लेट थी हम बारह बजे वहाँ से निकले सो so हम पहुँचे हैं कुछ एक बजे के आसपास ठीक है सो दिस इज़ आवर स्टेशन ना वी हैव बुकड आवर होटल इन नियर टू चार मीनार चार हमारे होटल से कुछ थ्री किलोमीटर्स होगा सो so, अभी हमें यहाँ से हमारे होटल तक जाने के लिए कुछ ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव मिनट्स लगेंगे इज़ सिकंदराबाद अभी स्टेशन है अब यहाँ से हमें जाना है तो आप नॉर्मल रिक्शास को बिल्कुल मत पूछना एक रिक्शा वाले ने तो चार सौ रुपये बोल दिया था यर आई वुड प्रेफर यू टू गो बाई ओला ओनली बिकॉज ऑटो वाले बहुत चाला के यहाँ के दे नो दैट वी आर टूरिस्ट लाइक टूरिस्ट नहीं है बट वी आर विजिटिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट डिफरेंट सिटी सो दे चार्ज मोर ओके बारगेनिंग करके भी वो लोग हमें ऐसा ऐसा घुमाएंगे एंड बोलेंगे नहीं आप बिकॉज़ ये हो चुका है अभी हम ये फर्स्ट डे व्लॉग है एंड फर्स्ट डे में हमने देख लिया प्लस हमारे जो भाई हैं उन्होंने भी हमें बता के भेजा था कि डू नॉट गो फॉर लोकल रिक्शा बाइक लाइक डायरेक्टली मत जाओ ओला लो या फिर बस मेट्रो यू कैन टेक सो एज़ वी रीच आवर डेस्टिनेशन हमारा होटल सो दिस होटल नेम इज़ न्यू सोहेल होटल यहाँ की प्राइसिंग थोड़ी मुझे ज़्यादा लगी थी बट स्टिल इट इज़ गुड प्लेस बहुत सेफ़ है ऐसा कुछ डेंजर फील नहीं होता है प्रोटेक्शनज है यहाँ हम दो दिन के लिए रुकने वाले हैं देन लाइक लेट्स सी हमारा कितने दिन का ट्रिप होता है उस तो हिसाब से वी विल शिफ्ट सो so, हम हमारे रूम में पहुंच गए थे बहुत अच्छा प्रेजेंट किया था रूम को लाइक आई रियली लव दी डेकोर जो पेंटिंग्स प्लस दी चेयर्स दो चेयर्स थे टीवी वी विच आई वॉन्टेड बाथरूम एंड टॉयलेट वाज गुड हाइजेनिक दैट इज़ दिन पार्ट आप जहाँ जाओ होटल में तो वहाँ का वॉशरूम बहुत अच्छा होना चाहिए ओके इट्स अ गुड एम्बियंस इट वॉज ओवरऑल वी बोथ कैन स्टेयर पीसफुली एंड बाहर ऐसा ऐस कुछ व्यू नहीं था आई थाट कि मैं बाहर देखूँ तो बहुत कुछ दिखेगा बट देर वॉज नो व्यू सो या लाइक सी अभी हम घूमने आए हैं तो यहाँ का व्यू वैसे भी मैटर नहीं करता हम रात में आके सिर्फ सोचते हैं राइट right? ओके okay, अगर so, uh, हम फ्रेश वगैरह होके निकल पड़े थे बिकॉज हम दोपहर को पहुँचे थे ब्रेकफास्ट के बाद हमने कुछ नहीं खाया था सो वन थिंग यू नो दिस इज़ माय फूड चैनल बेसिकली बट यहाँ मैं व्लॉग्स भी अभी डालती हूँ बट बेसिकली माय मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंडा इज़ फूड सो ठीक हमारे होटल के बाहर के साइड पर ग्रैंड होटल करके एक होटल है जिस विच इज़ अपोजिट टू द साउथ इंडियन मॉल इसके नीचे जो है नीचे के फ्लोर पे सब बेकरी आइटम्स मिलते हैं एंड ऊपर पूरा मेन कोर्स इनका मिलता है ठीक है सो so, जैसे ही एंटर हुए बिरयानी की प्लेट दिख रही है लोगों के टेबल पे एंड यस yes, बिरयानी हैदराबाद आके बिरयानी नहीं खाए तो क्या खाए ठीक है तो हमारी प्लेस हमें मिल गई हम बैठते हैं हमारी प्लेस पे एंड लेट्स ऑर्डर फटाफट एंड लिव हमें भूख भी लगी थी बट हम इतने इतना भी नहीं खाते हैं बिकॉज जितना हमने ऑर्डर किया था सब बच गया था सब मीन्स राइस बच गया था बस अच्छा अब देख लीजिए ये सॉसेज विच इज़ मैंडेटरी अगर आप चाइनीज़ मंगाते हो मसाला पापड़ था मसाला पापड़ में सॉल्ट ज़्यादा था बट स्टिल खाना तो था क्योंकि अब ऑर्डर कर दिया है राइट नेक्स्ट हमने जो चिकन मंगाया था स्टार्टर विच वॉज मैजेस्टी चिकन ठीक है uh, ये थोड़ा यूनिक था मुझे ऐसा चाइनीज़ वाला फ्लेवर नहीं आया एंड मैं प्रे कर रही थी कि दुआ कर रही थी कि वो चाइनीज़ वाला टेस्ट ना आए क्योंकि मैं बहुत थक गई थी वो रेड 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 खा के दिस वॉज समथिंग न्यू एंड इसमें क्रंच के लिए कैश्यू नट्स भी थे राइस एंड ग्रेवी ये था इनका ग्रैंड होटल का स्पेशल फ्राइड राइस ये भी टू ट्वेंटी रुपीज़ का है मेजिस्टिक चिकन जो था टू फोर्टी रुपीज़ का था एंड मसाला पापड़ बेसिकली वो हुआ फिफ्टी सिक्सटी रुपीज़ का मीन्स ओवरऑल हमारा जो बिल था वो कुछ सिक्स हंड्रेड के समथिंग बना था जी एस टी एंड ऑल इंक्लूडेड इन लोग ने क्रंच के लिए बहुत सारे कैशियोनट्स डाले थे एंड मेरे को हर एक बाइट में कैशियो नट्स मिल रहा था आई डोंट नो वाई इतना काजू क्यों डाले बट ठीक है जिन जो काजू लवर्स हैं उनको बहुत पसंद आएगा ओवरऑल इट वाज गुड सो हमारा पेट बहुत फुल हो गया था और हम नीचे आने के बाद हमें कुछ स्वीट खाने का भी मन नहीं था बट स्टिल हम थोड़ा घूमे एंड देखे ये सब उनका फूड आइटम है सेल्फ सर्विस भी होती है यहाँ पे और ये है पूरा इनका बेकरी आइटम जहाँ पे केक्स है बंस है बिस्किट्स है बहुत सी डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ आपको देखने मिलेगी सो so हमें इतना अच्छा लगा है ये होटल और घर के पास ही है अब हम सोच रहे हैं कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी देखते हैं यहीं से कुछ कर लेंगे पॉसिबल होगा क्योंकि देखते हैं अभी कैसा प्लान बनता है हम आज निकले तो थे आ, सेलार म्यूजियम जाने के लिए बट एज़ हमारे ऑटो वाले ने हमें बताया कि वो सिर्फ पाँच बजे तक खुला रहता है एंड हम लोग निकलने तक ही पाँच बज गए थे खाना खा के सो so, इसलिए हमारा वो म्यूज़ियम जाने का प्लान कैंसिल हो गया अब हम यहाँ से जा रहे हैं चार मीनार ओके सो चार मीनार की हिस्ट्री है कि जो मोहम्मद सुल्तान कुतुब शाह थे उन्होंने अपनी वाइफ के लिए ये हिस्टोरिक प्लेस बनाया था उनके ऑनर पे सो चार मीनार बेसिकली एक फोर पिलर का मीनार uh, है तो इसलिए उसका नाम रख गया है रख दिया है चार मीनार सो यहाँ का जो मैं मार्केट आपको अगर दिखा हो ना सो सेम सेम डो हमारा मुंबई का मोहम्मद अली रोड कुछ भी फ़र्क नहीं है सारे सामान ई टू जेड सेम है एंड स्पेशली दे ब्रिंग दैट स्टॉक्स फ्रॉम मुंबई ओनली हम पहुँच गए थे चार मीनार बहुत प्यारा व्यू है यहाँ का ये जो मीनार है जब वीडियो में आ रहा है या फ़ोटो में आ रहा है तो इतना ब्यूटीफुल लग रहा है कितनी लकी है ना कुतुब शाह की वाइफ <laughs> उनके लिए इतना ब्यूटीफुल मीनार बनाए तो so, यहाँ के मार्केट में बेसिकली आपको हर एक चीज़ दिखाई देगी जैसे रिंग्स हो गए कीचेन हमारे कुरान रखने की पेटी जैसे तस्बी एवरीथिंग इज़ देर यू कैन सी सो so, यहाँ से भी हमने कुछ चीज़ें खरीदी और अब जैसे देखो ये अगर मुंबई का भी हुए सामान तो भी हमें हैदराबाद का कुछ तो ऐसे लेके जाना चाहिए राइट सो हम एक जगह पहुँचे वहाँ पे बहुत से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीचेंस थे आ, अब चार मीनार के यहाँ थे तो वर्ल्ड्स बेस्ट सिटी हैदराबाद चार मीनार ऐसे टाइप के कीचेंस थे प्लस फ्रिज मैगनेट्स थे तो हमने कुछ चीज़ें यहाँ से ली हैं थोड़ी बहुत नॉट मच ऐसे फॉर अ मेमोरी उसके बाद बाजू में ही गन्ने वाले जूस की शॉप थी तो हमने गन्ने का जूस पिया और देन वी हेडेड टू अ लिटिल शॉपिंग ठीक है ये अब यहाँ पे इर रिंग्स है बहुत सारे स्काफ्स है मतलब चूड़ियाँ बेसिकली हैदराबाद इज़ फेमस फॉर देयर बैंगल्स आई थिंक यहाँ के बैंगल्स थोड़े अलग होते हैं एज पर मुंबई बाकी जो है सेम है सेम एवरी थिंग इज सेम एज मोहम्मद अली रोड नथिंग यूनिक ओके सो चार मीनार के ही चारों साइड में बहुत सी शॉपिंग एरियाज़ हैं ठीक है ठीके? जैसे चीता बाज़ार हो गया लाट बाज़ार हो गया ये निमरा कैफ़े था ओके एंड मिलान जूस सेंटर निमरा बेकरी जो है कैफ़े एंड बेकरी विच इज़ वेरी फेमस फॉर दर ईरानी चाय एंड बिस्किट थोड़ी ही दूर चलते ही हमें मेका मस्जिद हैदराबाद की दिखाई दी ये भी आ, सुल्तान कुतुब शाह ने ही बनाए थे मोहम्मद सुल्तान कुतुब शाह ये वर्ल्ड्स बिगेस्ट बोलते हैं मतलब आ, मतलब बेस्ट में आती हैं ये मॉस्क मस्जिद ठीक है आ, यहाँ पे भी बहुत सुकून है मतलब यहाँ की जो हिस्ट्री अगर मैम ने जो पढ़ी है वो है कि जो कुतुब शाह थे मोहम्मद कुतुब शाह उन्होंने ऑयल सॉयल जो था वो मक्का मस्जिद मतलब हमारे जो सऊदी अरेबिया में मक्का है वहाँ से लेकर आए थे एंड वो सॉइल से ये उन्होंने आ, बनाया है दैट्स ब्यूटीफुल राइट सो यहाँ पे बहुत पीस था सुकून था अल्लाह हमें सबको हजी उमरा ज़रूर बनाए यहाँ आने के बाद वो फील बहुत आ रहा था कि कब हम भी जाएंगे इंशाल्लाह हज हाँ उमरा करने के लिए ठीक है सो so, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है आप लोग अगर आते हैं सेंटर अलग तो तो सेंटर है यहां पे जो ऑलरेडी बनी हुई है 120 खत्म हो जाता है तो 120 यहाँ से लेने हस्बैंड ने लिया था हमने लो एक नहीं।, नहीं।, नहीं था सो तो इट वॉज अ वेस्ट वन ट्वेंटी उसका था एंड एटी रुपीज़ मैंगो जूस का था टू हंड्रेड वहाँ पे हुआ सो so, चार मीनार से सामने ही थी कितने सारे होटल्स हैं अगर आप चार मीनार के पास रहना चाहते हो तो वहाँ पे भी आप बुकिंग करके रह सकते हो अब हम आ गए थे घर एंड मेरी बैटरी फुल डेड थी बिल्कुल भी चार्ज नहीं था तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड किया था इस क्या क्या, क्या हैं। हमें जाना है शॉपिंग एवरी थिंग इज देट ग्रैंड होटल ठीक सामने है वहाँ से हमने कुछ नहीं लिया क्योंकि हमें ज़्यादा भूख नहीं थी हमें मैगडी दिख गया वहीं पे पास में है तो so, मैगडी से हमने नॉर्मल बर्गर नगेट्स फ्राइज लिए बिल्कुल भी भूख नहीं थी ये भी हमसे नहीं खाया जा रहा था तो so, हमने थोड़ा बहुत खा लिया एंड देन वी वर ऑफ़ टू स्लीप दिस वॉज़ आवर डे इन हैदराबाद वन फर्स्ट डे इन हैदराबाद आई होप यू लव दिस वीडियो डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड बताओ कॉमेंट करके किदराबाद में और क्या प्लेस है जो हम विजिट कर सकें दिस वॉज आवर मूवी टाइम एंड देन दैट्स गो टू स्लीप विल मीट सून विदा द्लॉग स्टे टून फॉर डे टू इन हैदराबाद अल्लाह हाफ भाई